गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ. टेक आउट योर ग्रामर बुक्स ऑन पेज नंबर 69. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक, कंजंक्शंस. कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक शब्द. संयोजक शब्द चैप्टर 9. तो देखिए, अभी तक हमने प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा. प्रीपोजिशंस जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं आपस में. एक वाक्य में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आपस में रिलेशन शो करते हैं, ये होता है हमारा प्रीपोजिशन. अब देखिए कंजंक्शंस क्या होते हैं. तो देखिए, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड रीडिंग बुक्स. अब देखिए, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड रीडिंग बुक्स, यानी कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है और क्या पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना. यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक वॉचिंग मूवीज एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स. अब दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है, जो आपस में जोड़ रहा है दोनों सेंटेंसेस को, वो क्या है, एंड. अरबाज प्लेस फुटबॉल बट अना प्लेस क्रिकेट. अरबाज फुटबॉल खेलता है लेकिन अना क्रिकेट खेलता है. अब दोनों सेंटेंसेस को जो मैच कर रहा है वो क्या है यहाँ पे, बट. दोनों सेंटेंसेस को क्या कनेक्ट कर रहा है, बट. और पहले वाले सेंटेंस में क्या कनेक्ट कर रहा है, एंड. इन द फर्स्ट एग्जांपल द सेंटेंस आई लाइक वॉचिंग मूवीज एंड द वर्ड्स रीडिंग बुक्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द वर्ड एंड. इन द सेकेंड सेंटेंस द सेंटेंसेज अरबाज प्लेज फुटबॉल एंड अना प्लेज क्रिकेट आर जॉइंड टुगेदर बाय द वर्ड बट. Words such as and एंड but are called conjunctions. इसका मतलब जो ऊपर जो but और and शब्द दो दिए गए हैं उनको हम conjunctions कहेंगे, यानी कि संयोजक शब्द कहेंगे, जोड़ने वाले शब्द कहेंगे. Conjunctions are used to join together sentences, words and groups of words. यानी कि जो संयोजक शब्द होते हैं वो आपस में दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं और दो शब्दों के समूह को भी आपस में जोड़ते हैं. ये आपकी डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे. सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस आर और, यानी कि अथवा, सो इसलिए, बिकॉज यानी कि क्योंकि, इफ यानी कि यदि, सिंस समय के लिए यूज़ होता है, अनलेस किसी भी अपोजिट मीनिंग के लिए यूज़ होता है, वैन यानी कि जब, until यानी कि तब तक, yet यानी कि फिर भी, and although यानी कि हालांकि. We can play either या either, इसे हम either भी बोल सकते हैं और either भी बोल सकते हैं, basketball और badminton in the games period. Omar was unwell so he did not go for the picnic. Okay. अब देखिए यहाँ पे आपको कनेक्टिंग वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, और सो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे तीन तीन ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हमको यहाँ पे फिल करना है. माय ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव्ड बिकॉज सो एंड. अब देखिए, मेरे जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो सुधर गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं. आई प्रैक्टिस एवरी डे. अब देखिए, सो मीन्स इसलिए होता है, एंड मीन्स और होता है, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि. तो देखिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मेरे ड्राइंग स्किल्स सुधर गए हैं. आल्दो करण हैज ईटन हिज लंच ही वाज स्टिल हंग्री. हालांकि करण ने अपना लंच कर लिया है लेकिन वो फिर भी भूखा है. आई लुक्ड इन सेवरल शॉप्स बट आई डिडंट फाइंड द टाइप जीन्स आई वॉन्टेड. सेम इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. ये आपकी मैचिंग है, आपको अच्छे से सेंटेंसेस को समझना है, रीड करना है, उसके बाद में जो भी करेक्ट उसका सूटेबल नेक्स्ट सेंटेंस है आपको उसे मैच करना है. सेम इसी तरह से यहाँ पे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं विद कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट सेम इसी तरह से एक्सरसाइज आपकी फिर से दे रखी है. ओके, सो हियर वी हैव डन विद द चैप्टर. ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. आप डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेंगे.
और देखिए जो कॉपी वर्क है वो सिर्फ आपका यही है, कॉपी वर्क में आपको सिर्फ कंजक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है और ये यहाँ से ये आप एग्जांपल लिख देंगे। आप चाहें तो पहले डेफिनेशन को लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको डेफिनेशन डालेंगे और ये इसके एग्जांपल्स हो गए आपके डेफिनेशन के। ओके, आप सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर देंगे। ओके, यानी कि कॉपी वर्क सिर्फ आपका यहाँ से लेकर ये और यहाँ तक ही है। ठीक है, ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके, सम मोर एग्जांपल्स में ये आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी आपका पूरा बुक में ही वर्क कंप्लीट करना। ओके, बाय बाय।